बीच में 100 टाइम्स भी हो जाएगा। डिलीट यू इंक्रीज टेन टेंट। देखो ये अगला पूरा चल खड़े हो जा खड़ो। तो तुमको तो हल्के वाला ही करवाया था है? कितनी बार करना? सौ सौ बार बोलो। बाएं पैर उठाओ, दाएं के साथ लगाओ, बहुत इजी है। गिरना नहीं, कोई नहीं, धीरे धीरे करो अनुराग जी। फिर हाथ ऐसे को वापस भी ऐसे आना है, आराम से ऐसे, झटका झुटकी नहीं, दूसरी साइड से ऐसे ऐसे पूरे एकाग्रता से। कोशिश करो, छोटे बच्चे कर रहे हैं, बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। किया ना सबने? ये सरल वाला करवाया है, कठिन वाला तो इसमें भी गरुड़ासन है। कोशिश करो, बनी बात थोड़ी सी ऐसे, टांग में टांग फंसाई, दूसरों की टांग बहुत टांग फंसाते हो, अपने में फंसा के देखो। गरुड़ासन ठीक है ना? अब सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा है, ये करना है 10 बार से लेकर के 100 बार। आज आपको 2 बार ही करवाएंगे। देखो पैर पास में, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। हर एक को करने का एक तरीका होता है अभ्यास, राइट मेथड से अभ्यास को करेंगे। हाथ ऊपर ऐसे, देखो ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे खुलेंगे हाथ। फिर अंगूठे से अंगूठा ऐसे लगा हुआ, हथेलियों ऊपर की ओर, कोहनियां सीधी, हाथ पीछे पे। आराम से गिरना मत, आगे झुके, आगे झुके, माथा घुटनों से लगा दो। कोशिश करो, श्वास पार छोड़, दोनों हाथ के हथेलियां पंजों के पास, बहुत धीरे करवा रहे आपको। फिर दाहिने पैर पर बैठो, राइट लेग वहीं रखा, लेफ्ट को पीछे ले गए, राइट के ऊपर ऐसे बैठ गए, ऐसे राइट के ऊपर। पहले राइट से करते हैं, फिर लेफ्ट से करेंगे।
ऐसे कमर झुकी हुई, पीछे वाला पैर पूरा सीधा, ऐसे सांस अंदर। बहुत अच्छा, 99% अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, ये राइट भी पीछे, बहुत धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे, घुटने सीधे, पूरे पंजे जमीन पर, सिर झुका के नाभि को, पेट को देखिए। आप घुटने जमीन पर, छाती छोड़ी भी जमीन पर टच करती हुई, पढ़ना नहीं है नीचे, छूना है, टच करना है, स्पर्श कर। फिर सामने से उठा, श्वास अंदर, श्वास अंदर, पूरा अंदर, बेसो नीचे दबा हुआ, आगे से उठा हुआ, श्वास अंदर है ना, अब श्वास बाहर छोड़ो, बीच से उठा, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है बॉडी, लेफ्ट आगे, लेफ्ट आगे, राइट पीछे, कमर झुकी ऊपर देखे, श्वास अंदर, अब राइट पे आगे, श्वास बाहर, फिर हाथ ऊपर, कौन सीधी, अंगूठा अंगूठे के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, फिर दोनों हाथ सामने, देखो ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे, ये तरीका है, ऐसे हाथ मिले हुए, कोहनिया मिले हुए, फिर हाथ ऐसे, यह प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालन आसन, राइट लेग के ऊपर, श्वास अंदर, पीछे झुकते तो श्वास अंदर, आगे झुकते तो श्वास बाहर, पर्वतासन, साष्टांगासन, श्वास अंदर, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट आगे, वाम अश्व संचालन आसन, राइट भी आगे, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम, ये स्लो मूवमेंट में करवाया, ऐसे वे एक मिनट में 10 बार करता हूं, एक मिनट में कल करके बताओ, चलो लेग्स को स्ट्रेंथन बनाने के लिए ऐसे कर, और ज्यादा स्ट्रेंथन बनाना है तो फिर पूरा बैठ लिया करो, देखो ऐसे, मैं से 30 सेकंड्स में 30 टाइम्स करता हूं, बस ज्यादा करोगे तो दुखेगा, फिर स्ट्रांग होने चाहिए मसल्स, पैरों के, हाथों के, पूरा शरीर स्ट्रांग होना चाहिए, चलो बैठ जाओ वज्रासन में, एड़िया बाहर, पंजे अंदर, बैठ करके बहुत जरूरी पोस्चर है मंडूकासन, फास्ट डे, आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, कपालभाति अनुलोम विलोम, मंडूकासन, उत्तान पादासन, खाली 4 चीजें करके फास्ट, जहां बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, ये बात इफेक्टिव प्रैक्टिस है, इंस्टेंट बेनिफिट, अंगूठा अंदर, अंगूठियों पर मुठिया बंद, एक पोस्चर कम से कम कितनी देर करना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, भस्त्रिक कपालभाति अनुलोम विलोम का, एक राउंड कितनी देर का मैं बोलता हूं, 5 मिनट्स का, ऐसे आसनों का भी राउंड 1 to 2 मिनट,
अब एक मिनट से पहले वापस नहीं आना। वापस किसी किसी ने तो पूरा किया, कुछ तो बीच में आ गए। एक मिनट आगे झुके रहना, तो पहले दिन से पेट आपका एकदम सेट, डायबिटीज कंट्रोल, मंडू का सर आगे झुकना। ऐसा दूसरा पोज है इसका, हथेले के बीच में ना दिया उसके ऊपर हाथ रख। आगे झुक के एक मिनट रुकना है, आपको अभी एक्सपीरियंस होगा कि पेट ठीक हो रहा है, हो नहीं रहा, हो गया है, इतना अच्छा हो गया। गर्दन सीधी, इससे पेट पेन किया एकदम हेल्दी हो जाते, नाभि धारण ठीक हो जाते, गैस करते करते ही आगे पीछे से निकल जाते, करते करते गैस ठीक, कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा होता। वापस इतनी देर कम से कम रुकना, एक आसन में कितनी देर रुकना तब पूरा लाभ होता है। आगे झुकना, पीछे झुकना, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है योग में। पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन, घुटने सामने से मिले हुए, दोनों हाथ अंगाओं के ऊपर, पहले ईशान की तरह ही होगा, पैर खुले हुए झुका तो कोशिश तो की, सामने से पैर खुलने नहीं चाहिए, ऐसे रहने चाहिए, ऐसे रहें और फिर ऐसे झुके और फिर दोनों हाथ यहां रखें। बहुत कोशिश की, कोशिश अच्छी की है, हाँ वेरी गुड, कोशिश करें ऐसे। फिर पीछे झुक गए तो उष्ट्रासन, चलो एरिया उठी हुई ऐसे, एक एक हाथ को ऐसे लाएंगे और ऐसे, ऐसे रुक गई थोड़ी, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है। सर्वाइकल स्पाइनस पे सेव दिस शटिका लोअर स्पाइन बैक एक त्रिभुज, वापस आ जाएंगे। कुछ बनी बात, चलो आगे झुक जाते हैं, हाथ ऊपर उठा करके तो शशक आसन, हथेलिया को नहीं, माथा जमीन पर झुकी है थोड़ी देर,
और पार्श्व भागों से नीचे दोनों हाथ फिर ऐसे लाके ऐसे तरीका होता है हर एक काम करने का। पैर सीधे पद्मासन, दायां बाएं के ऊपर, बायां दाहिने के ऊपर। राइट मेथड के साथ योग प्रैक्टिस करें, पोश्चर्स की प्रैक्टिस राइट मेथड्स के, राइट मेथड। नाभि के दोनों कोहनियां एड़िया आ गई, बाएं हाथ ऐसे, थोड़ी जमीन पर टिक जाए। वापस कितनी देर रुकना है? कम से कम मिनिमम 1 मिनट, 1 posture 1 मिनट। दिस इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, फॉर स्टमक डिसऑर्डर। यू कैन एक्सपीरियंस द बेनिफिट विद इन ए मिनट। 1 मिनट में आपको एक्सपीरियंस होगा इसके बारे में करने से। ऐसे नहीं गए आगे, ऐसे रुक, ऐसे इसमें पीछे झुक जाते हैं तो ये प्रैक्टिस से होगा थोड़ा। फिर वक्रासन तो आप करते ही हो, ये भी 1-1 मिनट करना है ऐसे। ये भी पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत जरूरी है। डेली योग प्रैक्टिस में आप 10 posture कर लीजिए, 10 मिनट में हो जाते हैं 1 minute 1 posture। फिर थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लीजिए 10 बार, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन दूसरी ओर से। पूरा घूम जाते हैं, बैठ करके लास्ट पोस्चर करा देते हैं। लेफ्ट लेग को मोड़िए, एड़ी पर बैठ जाइए, राइट लेग को ऊपर रखना है। लेफ्ट लेग को बेंड किया, हील के ऊपर ऐसे बैठ गए और राइट को ऐसे पूरा पूरा खींच के रखना। अब जो पैर ऊपर, ऊपर वाले पैर का भी देखो, जो ऐसे ये एड़ी ना जंघा के साथ लगी, फिर यह हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया, ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के रखा ऐसे। आई पकड़ में? ऐसे दूसरी ओर से देखो, ये एड़ी के ऊपर देखो ऐसे बैठे, ऊपर वाले पैर को ऐसे खींचा ना ऐसे, ये ऊपर वाले पैर की एड़ी ऐसे लगी जंघा ऐसे। फिर ये जो पैर ऊपर है ना, वो यहाँ ऊपर से नहीं ऐसे,
सबका ठीक से हुआ ना? बहुत अच्छा। ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। फिर डायबिटीज के लिए मिनिमम बोल रहा हूं, उत्तान पादासन या नौकासन, एक मिनट है ना, ऐसे देखो, कोशिश कर लो, ऐसे एक मिनट तक ऐसे उठा के रखना, या तो उत्तान पादासन में या नौकासन में, एक मिनट तक ऐसे। वन मिनट हा, या तो नौकासन कर लो, घुटने सीधे पंजे तने हुए, बराबर बराबर, पैर भी सिर भी हाथ भी ऐसे, घुटने सीधे टाइट, पैर पास में, अंगूठा पास में, एड़िया भी पास में, एक मिनट में पसीने छूटेंगे, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। यहाँ के मेयर साहब तो बड़े जोरदार है, हाँ, डटे हुए मैदान है जंग में। कोई बात नहीं, इतना बहुत हो गया, अभी नीचे नहीं आना। कितनी देर करना? एक मिनट। उत्तान पादासन या नौकासन डायबिटीज वालों के लिए, ये तो कर सकते हैं ऐसे, बस एक मिनट। फिर एक मिनट ये पवन मुक्तासन, फिर एक मिनट ये कंधरासन, सेतुबंधासन भी कहते हैं। फिर दोनों पैर तलवों से मिला के असली परीक्षा भी इसमें होगी। करो करो, नहीं तो शिवानंद बाबा जी से बताऊंगा। पैर मोड़ के और अंगूठे नासिका से लगाना है। कर दिया भाई लड़के ने, भाई ईशान जी ने कर दिया, गुरुजी आप भी करो। ऐसे ये है पादांगुष्ठनासास्पर्शासन। क्या है बोलो? नाम भी नहीं लंबा चौड़ा है। पादांगुष्ठ, पाद माने पाद, अंगुष्ठ माने अंगुष्ठ, नासा माने नासिका, स्पर्श माने छूना, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। बोलो, चले एक बार हंस लो। हास्य योग। ये हास्य योग है, हंस लिया करो। फिर एक है सिंहासन, ऐसे बैठ के और जो बाहर निकालना, ये गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है सिंहासन। ये कर लें, उज्जाई कर लें, थोड़े गले को ऐसे घुमा लें ऐसे, इसी से ही, और ये पॉइंट दबा लें ऐसे, ये थायराइड का पॉइंट है अंगूठे के नीचे, ये शक्ति केंद्र है, ऊर्जा के सेंटर्स हैं ये, ऐसे अंगूठे के नीचे थायराइड का, हथेली के बीच में किडनी का, यहाँ पर ये पेट का, यहाँ पर पहले दूसरे अंगुली के नीचे आँख का, उसके बाद में फेफड़े का, लास्ट में कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे डायबिटीज का या इंटेस्टाइन का, फिर ये सब साइनस पॉइंट और ब्रेन का है, ये सब ऐसे पीछे से दर्दों के पॉइंट है, एक्यूप्रेशर बताते हैं ना हम लोग, बड़ा जबरदस्त है। दो मिनट ऐसे ताली भी बजा लेते हैं ना जोर से, अच्छे से ताली बजा लो, उसी से भी बहुत कुछ हो जाता है। रिलैक्स। देखो ये तो थोड़ा सा संकेत किया, ऐसे एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं ना।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई ऐसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। अंतर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में हम सब लोगों का खाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।